अब ये जो रेट एनालिसिस आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो रेट एनालिसिस एक अलग पद्धति से किया हुआ है, जो सीपीडब्ल्यूडी अप्रूव्ड मेथड से किया हुआ है। इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स लिए हुए हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल, दो मैनुअल हमने आपको भेजे हुए हैं, एक DAR Volume 1 Volume 2, उसमें से ये डायरेक्टली लिए हुए हैं। तो पहले आइटम नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। अब ये आइटम क्या है, ये आइटम है DBM की। अब ये जिनको मालूम नहीं है DBM क्या है, उनके लिए ये चित्र है आगे का। ये देखिए रोड आप देख सकते हैं, इस प्रकार का रोड ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पे ये DBM की एक्चुअल लेयर ली की हुई है और इसका रेट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और ये जो रोलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज टैंडम रोलर, ये टैंडम रोलर है। तो अभी आइटम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी अलग आइटम है सिविल से हट के, फिर भी मालूम होनी चाहिए आपको। तो क्या कहते हैं इसमें कवि कि 50 to 100 mm एवरेज कॉम्पैक्टेड थिकनेस विद बिट्यूमेन ऑफ ग्रेड VG30। अब ये VG30 क्या है, ऐसा आपके मन में सवाल आएगा। तो VG स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी ग्रेड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऊपर। VG विस्कोसिटी, देखिए बिटुमन दो टाइप से आता है, एक आता है विस्कोसिटी ग्रेड, दूसरा आता है पेनेट्रेशन ग्रेड। ये बिटुमन को स्पेसिफाई करने की दो अलग अलग प्रणालियां हैं, इतना समझिए अभी। उसमें से ये VG स्टाइल से आइटम में लिखा हुआ है। तो रेट एनालिसिस चूंकि आप कर रहे हो इसलिए आइटम का नॉलेज आपको होना चाहिए। VG30 नाम की जो ग्रेड है उसके हिसाब से काम करने का है, और उसका कांस्टेंट इसी में दिया हुआ है। देखिए आइटम का एट 5% परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स, जितने टन, अब देखिए वेट से है तो टोटल मिक्स जितना तैयार होगा DBM का, उसका 5% आपको डालना है बिटुमन, और लाइम फिलर कितना डालना है 2%। तो ये DBM कहाँ पे तैयार होगा, ये हॉट मिक्स प्लांट में तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट, पहले बिटुमन के क्या लिखा था, परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स, लेकिन एग्रीगेट के वेट से 2% हमको डालना है लाइम फिलर। प्रिपेयर्ड इन बैच टाइप हॉट मिक्स प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 100 से 120 टन पर आवर, TPH यहाँ लिख देता हूँ फुल फॉर्म, TPH टन पर आवर, ये इससे इससे अपने को उसकी कैपेसिटी मालूम पड़ती है प्लांट की।
ठीक है, तो ये हो गई आइटम। अगर आइटम आपको समझ में आ गई हो तो एक आई लिखिए चैट बॉक्स में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पहले समझना चाहिए आइटम का। अब चलते हैं आगे, अब करेंगे रेट एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले ये जान लीजिए, हमने एक क्वांटिटी ली हुई है। कंक्रीट की केस में हमने क्या किया था, हमने एक क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट किया था। यहाँ पे बिटुमन है इसलिए हमने 195 क्यूबिक मीटर या 450 मेट्रिक टन लिया हुआ है। अब ये 450 मेट्रिक टन क्यों लिया है, ये आपके मन में विचार होगा। तो यहाँ देखिए, जो हॉट मिक्स प्लांट है हमने क्या कैपेसिटी का लिया है, 100 to 120 टन पर आवर। तो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे की इसकी जो आउटपुट है उसका रेट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम इसकी कॉस्टिंग बराबर ले सकें। यहाँ पे 1 टन 2 टन से काम नहीं होगा, एकदम हमको इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो ये उसका रीज़न है। और ये CPWD के DAR Volume 1 में से ही लिया हुआ है, डायरेक्टली वैसे लिया हुआ है, इसमें कोई भी कांस्टेंट ये मैंने नहीं डाला हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल क्या चाहिए, तो पेविंग असफाल्ट VG 30 ऑफ अप्रूव्ड क्वालिटी। अभी जैसे बताया हमको वो कितना चाहिए क्वांटिटी, 22.5 टन। अब 22.5 टन कैसे आएगा, ये लिखा हुआ है 5% ऑफ टोटल मिक्स। अब टोटल मिक्स हम लेके कितना चल रहे हैं, 450। तो 450 मेट्रिक टन का 5% अगर आप निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली आएगा 22.5 टन, उतना हमने एस्फाल्ट ले लिया। ये आ गया एस्फाल्ट, ये हो गई उसकी यूनिट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जब आप स्वयं एनालिसिस करने बैठेंगे तो ये कॉस्ट आपको लेनी पड़ेगी रिफाइनरी से, बिटुमन कॉस्ट नीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम। हर रिफाइनरी की अलग अलग कॉस्ट रहती है। जैसे कल सत्यजीत ने जब रेट्स लाए थे तो उसने पूछा कि ये अलग अलग सीमेंट प्लांट के रेट अलग अलग क्यों है, उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग रिफाइनरीज है। जैसे मथुरा की रिफाइनरी है, मुंबई हाई में रिफाइनरी है, मुंबई हाई से क्रूड निकलता है, उसको फिर क्या बोलते हैं, उसको डिस्टिलेशन होके बिटुमन तैयार होता है। सो देर आर मेनी रिफाइनरीज, गुजरात में बहुत सारी रिफाइनरीज है, तो वो आपको या फिर आपको वेबसाइट से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो जिससे आप खरीदने वाले हो एस्फाल्ट, उससे आपको रेट लेना चाहिए। हियर आई हैव अश्यूम्ड एज 45,000। फिर कैरेज ऑफ टार बिटुमन, ये 103 रुपये 77 पैसे लिया हुआ है। ये आपने, आप पूछ सकते हैं कि ये रेट कहाँ से लिया, तो मैं बता दूं आपको, दिस इज फ्रॉम SSR, लेकिन ये 2021 के SSR से मैंने लिया हुआ है, क्योंकि उस समय तक 21-22 का SSR रिलीज नहीं हुआ था। तो इसको आप अपडेट कर सकते हो, या लिख देता हूँ मैं, टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट SSR। समझ लो आपको अगले साल ये आइटम लगती है, तो उस साल जो SSR होगा
उसमें से आपको ये मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। लीड्स का जो चैप्टर है, मैं चैप्टर नंबर भूल गया अभी, बट फाइनली मेरे ख्याल से 12 या 11 नंबर का चैप्टर है। उसमें ऐसा एक पूरा पेज दिया हुआ है, उसमें अलग अलग आइटम के कैरेज के रेट्स, स्टैंडर्ड रेट्स लिखे हुए हैं। तो पर टन चार्जेस कितने हैं वो उसमें कैलकुलेट किए हुए हैं। सो दैट आई हैव टेकन फ्रॉम हियर। फिर एग्रीगेट कैसे निकाला, उसी प्रकार से टोटल वेट ऑफ मिक्स 450 टन लिया हुआ है, उसमें से बिटुमन 22.5 टन निकाल दिया, तो जो बचा 450 माइनस 22.5 वो बचा 427.5। फिर डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर ली। अब यहाँ पे मैं लाल करता हूँ क्योंकि एग्रीगेट आप जहाँ से लेते हो वो थोड़ी थोड़ी उसकी डेंसिटी में फर्क पड़ता है। सो दिस यू मे हैव टू वेरीफाई टू बी वेरीफाइड फॉर द स्पेसिफिक क्वारी। वो लैब को एग्रीगेट का सैंपल भेज के आप उसकी डेंसिटी चेक कर लीजिए कितनी आती है। जितनी आती है अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर से वॉल्यूम जो है एग्रीगेट का वो देखिए 427.5, ये वेट है, वेट को डेंसिटी से डिवाइड किया तो ये आ गया उसका वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से अगला काम किया जाएगा, कैसे करेंगे अभी तो देखिए। अब रोड वर्क में आपको ये भी सीखने को मिलेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रोड एंड ब्रिजेस की बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपका, आइए आप, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। तो अभी इस बात मैं बता दूं आपको, ये जो ग्रेडिंग टू, ये देखिए आइटम जो है ये यहाँ कहीं ग्रेडिंग टू लिखा नहीं है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है ग्रेडिंग टू। तो ये ध्यान रखिए कि एग्रीगेट ये कुल 6 प्रकार के ग्रेडिंग में डिवाइड किए जाते हैं। ये कहाँ से मालूम पड़ता है, ये मॉर्थ का जो स्पेसिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ, उस मॉर्थ के स्पेसिफिकेशंस में एग्रीगेट का 6 ग्रेड्स दिए हुए हैं, 1 से लेके 6 तक। और आप लोगों ने फाइननेस मॉडुलस या सीव एनालिसिस ये नाम सुना होगा कॉलेज के दिनों में, तो वो एग्रीगेट के सीव एनालिसिस से एग्रीगेट को परसेंटेज पासिंग, परसेंटेज रिटेंशन के हिसाब से 6 अलग अलग क्लासेस में या ग्रुप्स में बांटा जाता है। उसमें से सेकंड ग्रेड में से हम लोग ले रहे हैं तो उसमें 25 से 10 mm साइज, 10 से 5 mm साइज और 5 mm एंड बिलो, ये उसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ग्रेड टू के लिए। और नॉमिनल साइज है उसका 19 mm। तो ये तीनों प्रकार के साइजेस में हमने प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दिया। देखिए टोटल 285 क्यूबिक मीटर है, उसमें से 30% इस रेंज में है, 28% इस रेंज में है, 5 mm से नीचे इस रेंज में है। तो हर एक का वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लिया। फिर आगे देखिए 25 mm, 10 mm, 10 mm, 6 mm, ये देखिए यहाँ पे ये हर एक की वॉल्यूम्स, और यहाँ पे रेट लगाया हुआ है, ये पर क्यूबिक मीटर रेट है, पर क्यूबिक मीटर। फिर स्टोन चिपिंग, स्क्रीनिंग,
ये 114 ये रेट है कैरेज ऑफ स्टोन एग्रीगेट। तो ये पूरा जो इसका कैरेज लिया है ये 103.77 के हिसाब से लिया हुआ है। लाइम फिलर इसमें ड्राई हाइड्रेटेड लाइम फैक्ट्री का ये लिया हुआ है। कैरेज ऑफ लाइम लिया है और डेंसिटी जो है लाइम की वो 1.29 टन पर क्यूबिक मीटर लिया हुआ है। ये तो हो गया मटेरियल के बारे में। फिर ये सब आते हैं उससे लगने वाले इक्विपमेंट्स। तो पहले हॉट मिक्स प्लांट पर आवर के हिसाब से 3 घंटे चलेगा। हमने पहले देखा था कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो 15,000 रुपये पर आवर के हिसाब से है। पेवर फिनिशिंग, पेवर कौन सा पेवर? सेंसर पेवर। डीबीएम अगर करना है तो सेंसर पेवर से काम करेंगे। तो ये देखिए सेंसर पेवर, एक ही मिनट। जरा आपको मैं एक सेंसर पेवर दिखा देता हूँ। हालांकि ये पीक्यूसी का पेवर है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेंसर पेवर है और ये पीक्यूसी पे काम कर रहा है, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। इसको देखेंगे तो आपको वो वर्ड समझ में आएगा जो अभिषेक ने अभी कहा है, स्लिप फॉर्म पेवर। सेंसर पेवर उसकी मेथड ऑफ ऑपरेशन है और ये जो साइड इसकी एजेस जिस प्रकार से ऑटो फिनिश हो रही है उसको कहते हैं स्लिप फॉर्म पेवर। एक ही मिनट रुकिए, जस्ट एक मिनट। हाँ सही बात है, उनका मैंने सुना है 18 मीटर का विड्थ है जो उन्होंने इस कंपनी को रिक्वेस्ट किया था कि आप इस साइज का बना दो हमको। भरूच, भरूच से अहमदाबाद या बड़ोदरा। तो अभी मैं आपको
दूसरा एक पेवर दिखाता हूँ। जो WMM ले कर रहा है साइट पे, ये बुंदेलखंड का है। ये WMM का काम चल रहा है, वो देखिए आप। यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ये साइड में, ये देखिए एक पियानो वायर दिख रही है। जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ पे एक लंबी पियानो वायर बांधी हुई है पेग रॉड्स के ऊपर, और उसके ऊपर इस पेवर का सेंसर फील करते हुए चलता है, सेंस करते हुए चलता है। जस्ट मैंने सोचा आपको पेवर की सब्जेक्ट चल रही है तो आपको दिखा दूं। तो ये हमने बात की अभी हॉट मिक्स प्लांट, पेवर ये देखा हमने, फिर जनरेटर आपको मालूम है ऑलरेडी, फ्रंट एंड लोडर, टिपर, टिपर और 10% और जोड़ दिया लोडिंग अनलोडिंग के लिए इसके ऊपर। फिर टैंडम रोड रोलर जो आपको अभी दिखाया हमने, वो इस रेट से लिया हुआ है। फिर लेबर, मेट, वेल्डर, बेलदार, ये बाकी सारी चीज़ें। फिर 1% वाटर चार्जेस, GST, और इसमें खाली ध्यान रखने की बात यह है कि ये CPWD DAR के गाइडलाइन से बनाया हुआ है, इसलिए इसमें खाली 15% जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिए आप। CPOH का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट और ओवरहेड्स दोनों मिला के मात्र 15% लिए हुए हैं, जबकि आप SSR के बेसिस पे अगर देखेंगे तो उन्होंने 20% लिया हुआ है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, ओवरहेड्स 10%। तो आप चाहो तो ये 15% की जगह, इसको ये जो ऊपर फिगर दिख रही है आपको 15, या आपको आज ये भेज दूंगा मैं, उसमें आप ये 20% करके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। मैंने आपको ओरिजिनल जैसा उन्होंने किया हुआ है सेम टू सेम दिया है विदाउट एनी चेंज, और ये 1% उसके ऊपर सेस